अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा शाम्स है और मैं जनरल मैनेजर मार्केटिंग एंड सेल्स न्यूयॉर्क रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स में होता हूँ। आपको पता मेरा यूट्यूब चैनल है शाम्स राजा, शाम्स राजा के नाम से, जिसमें प्रॉपर्टी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं और हम लोग काफ़ी अच्छी जगहों के भी वीडियोज़ बनाते हैं, लोगों के रिव्यूज़ भी लेते हैं। आज हमारे पास बहुत ही ख़ास हमारे दोस्त, हमारे नेबर चित्राल से और कश्मीर से आए हुए हैं और बहरीन क्लेव इस्लामाबाद में बिल्कुल उसके साथ एडजेसेंट उर्दू फाग यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पढ़ते हैं। किन्हीं दोस्तों का लास्ट सेमेस्टर है, किन्हीं का अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसी स्टडीज़ हैं, ताकि आने वाले लोगों के लिए, एंड यूज़र्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एडमिशन लेना है उर्दू फाग यूनिवर्सिटी में और बहरीन क्लेव इस्लामाबाद में आके रहना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, क्या हाल है आपका, कैसी तबीयत है? ठीक है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका बहरीन क्लेव के बारे में, लोगों को बताएं जरा। बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरा नाम फवाद आलम है और मेरा ताल्लुक चित्राल से है और हम 2 सालों से इधर ये इसी यूनिवर्सिटी में, विफाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं और साथ ही ये हमारे लिए ये एक बेनिफिट है, एक मैं कहूँगा कि एक फ़ायदे के लिहाज से देखें, ये बहरीन इंक्लूसिव टच है यूनिवर्सिटी के साथ, क्योंकि आप देखें कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है बिल्कुल इस्लामाबाद से आउट है। तो अभी हम कोई भी हमारा, अब आज ही हम कह रहे थे, सोच रहे थे कि यूनिवर्सिटी से बाहर जाके घूमेंगे फिरेंगे, तो हमारे पास और कोई मौजूद जगह नहीं थी। तो सबसे अब अगर देखें तो बहरिया का एक नाम है पूरे पाकिस्तान में, नहीं मैं कहूँगा तो सारी पूरी दुनिया में एक बड़ा वो हाउसिंग सोसाइटी है और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ये माहौल है, यहाँ पे हम आए हुए थे और बहुत ही इनका जो यहाँ पे रोड सिस्टम है, शॉप्स वगैरह जो है, यहाँ पे होटलें भी बनी हुई हैं, तो हम इधर आए हुए थे, खाना वाना खाया और इसके बाद जो है अभी यहाँ पे चहलकदमी कर रहे थे। और यूनिवर्सिटी का और ये बहरिया के साथ टच होना और ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है। और कैसा आपका कौन से सेमेस्टर में आप? और हमारा ये आखिरी सेमेस्टर है, हम एमए उर्दू में हम एमए कर रहे हैं, हम ये हमारा आखिरी सेमेस्टर और हमारे साथ जो कुछ लोग हैं उनका 1-2 सेमेस्टर रहते हैं, लेकिन हमारा फाइनल है, इसके बाद हम इसी यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाएंगे। आगे अपने बहुत शुक्रिया उनसे पूछते हैं। जी सर, आप बताएं कैसा आपका एक्सपीरियंस है? और बहुत अच्छा लगा, बहरिया तो बहरी है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं और सबसे मेन जो चीज़ है यहाँ की सफाई। पाकिस्तान में बहुत कम सोसाइटीज़ है जो एक तो शोर से पाक है और दूसरा ये है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और दूसरा यहाँ के पार्क्स, यहाँ के होटल्स, हर चीज़ बहुत डिफरेंट है बाकी सोसाइटीज़ से। मेरे ख्याल में एक यूनिक जगह है। और दूसरा, जहाँ तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है, यूनिवर्सिटी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। और मेन जो चीज़ है, जैसे भाई ने भी बात की कि बहरिया के बहुत करीब है, और हमारे लिए तो बहरिया ही है कि हम जब वहाँ से निकलते हैं तो हमें बहरिया ही नज़र आता है। कौन से इलाके से हैं आप? मैं कश्मीर से हूँ और मेरा थर्ड सेमेस्टर है यहाँ। थर्ड सेमेस्टर, चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो इनसे भी पूछते हैं, जी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुशाहिद हुसैन है और मेरा सेकंड सेमेस्टर है एमए उर्दू में। और जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों को बेस्ट विशेस। ये देख लें, आप लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, सेक्टर C2 बिल्कुल बहरिया इनक्लेव की स्टार्टिंग में है, उसके बिल्कुल साथ जहाँ पे ख़त्म होता है सेक्टर C2, उसके बिल्कुल एडजेसेंट उर्दू फाक यूनिवर्सिटी है, ये वहाँ के स्टूडेंट है और इनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। तो आप लोग भी यहाँ पे आए, विजिट करें, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस है, यूनिवर्सिटी भी साथ है, स्कूल भी साथ है, इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जगह हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, और विजिट कीजिएगा बहरिया इनक्लेव फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर यूनिवर्सिटी पर्पज़। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।